नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और क्रिकेट डायरेक्टर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरसीबी हमेशा से ही अपनी एंटरटेनिंग गेम के लिए मानी जाती है और WBL में गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट भी हमने कुछ ऐसा ही देखा। कल के मैच में सोफी डिवाइन ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जिसके बाद सब हैरान हो गए। उन्होंने 36 गेंदों पर 99 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 275 की रही थी, जो कि एक अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट होती है। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 9 चौके और 8 छक्के लगाए। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए थे और T20 में ये काफी अच्छा टोटल माना जाता है और लग रहा था कि ये टारगेट आरसीबी की टीम पे बहुत प्रेशर डालेगा, पर दोनों ओपनर्स ने बहुत ही विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करी जिसकी वजह से आरसीबी ने टारगेट सिर्फ 15.3 ओवर्स में ही चेस कर लिया था। बस अफसोस की बात यह थी कि सोफी डिवाइन अपने शतक से बस एक रन से चूक गई, जहां वो किम ग्रार्थ की एक बेहतरीन गेंद पर आउट हो गई थी। पर सोफी डिवाइन WPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली बल्लेबाज बन चुकी है और इस वक्त ऑरेंज कैप भी उन्हीं के पास है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक 7 मैचेस में 266 रन बना दिए हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 175 की रही है। शुरुआत के 5 मैचेस हारने की वजह से आरसीबी की नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा खराब है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि 3 कंडीशंस हैं जिसके बाद आरसीबी अभी भी अपनी क्वालिफिकेशन पक्की कर सकती है। पहली कंडीशन, गुजरात को यूपी वॉरियर्स को 41 रनों से हराना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन दिल्ली कैपिटल्स को भी यूपी वॉरियर्स को 41 रनों से हराना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि आरसीबी को अपना आखिरी लीग स्टेज मैच 41 रनों से जीतना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो अब देखना ये होगा कि क्या स्मृति के 11 प्लेऑफ्स की रेस जीत पाएंगे या नहीं। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।